स्वागत है मेरा ऑनलाइन स्टडी चैनल आरजे स्टडी में। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन लगाएंगे और सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि क्या उसमें हमें लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि जीरोज निकालना है और क्या करना है, वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले जान लेते हैं जीरोज कैसे निकालते हैं। पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि फाइंड द जीरोज, इसका मतलब क्या होता है, जीरोज निकालने का मतलब क्या होता है, हमें क्या करना है, उसका जो भी पॉलीनोमियल है पी एक्स एफ एक्स है उसका हमें फैक्टर करना है, फैक्टर निकालना। क्या निकालता है, फैक्टर, टू फाइंड फैक्टर। इसका फैक्टर मिल जाएगा वही क्या हो जाएंगे, उसके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 2x² - 2x² - 2x - 8। ये एनसीईआरटी का 2.2 का पहला क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना। जीरोज निकालने का मतलब क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर जो निकलेगा वही क्या होगा, वही अल्फा होगा, वही बीटा होगा। ठीक है, फैक्टर जो निकलेगा वो अल्फा बीटा होगा। वो हो सकता है एक्स माइनस ए, जैसे एक्स माइनस ए भी हो सकता है, एक्स प्लस ए भी हो सकता है, और एक्स प्लस बी भी हो सकता है, और एक्स माइनस बी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये अब निकालते हैं फैक्टर। पहले फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, जीरो निकालने के लिए फैक्टर, तो पहले क्या करेंगे हम, ये एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एफ एक्स हो गया आपका इक्वल्स 8 में, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। 8 में यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। इसका फैक्टर निकालते हैं कैसे, 2 4 जाए 8 2 2 जा और 2 1 जा 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 होगा। यानी इसको ऐसे, इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि इन दोनों को जोड़ने पर ए बी जो भी इसकी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, इनको जोड़ने पे या तो हमें क्या आ जाए, 2 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, ये इसी से बनेगा, जैसे क्या बन गया, 4 और 2 मैंने बना लिया, 4 और 2 बना लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस लिख लेंगे, अब 2 लाना है, 4 में से 2 माइनस कर लेंगे, 4 2 जा 8 भी हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स था तो एक्स लिख लिया, माइनस 8 तो माइनस 8 लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको तोड़ लेंगे, माइनस है तो माइनस 4, एक्स था तो 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 2x हो गया, और ये माइनस 8 हो गया। अब दो पेयर को एक साथ, दो पेयर को एक साथ, एक एक पेयर ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रेकेट में, प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे, 2x माइनस 8 एक ब्रेकेट में। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 4, यहाँ से क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकलेगा, 2 तो 2 निकलेगा, क्या हो जाए, x माइनस 4। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको। ठीक है, अब देखते हैं क्या बन गया, ये दोनों चूंकि सेम है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 कॉमन है, कॉमन बाहर निकल जाएगा, और क्या बचेगा, x, और जो प्लस साइन है प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ये क्या है आपका एफ एक्स है। अब जीरोज निकालना होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लिख देंगे सिंस एफ एक्स इक्वल्स जीरो। ठीक है, जब एफ एक्स जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ये जीरो बराबर हो जाएगा तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 2 ये अगर जीरो के बराबर हो गए, कब, जब, कब, जब एफ एक्स की वैल्यू जीरो थी, तो इम्प्लाइज करते ये भी जीरो, यानी कि एक बार ये बीच में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो होगा और एक बार ये टर्म जीरो होगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 जो हो जाएगा इक्वल जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस माइनस, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस 2 एक बार जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस 2 आया है, सॉरी ये एक्स माइनस 4 आया। ठीक है, एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्लस 4, यानी कि ये दोनों क्या निकले, यही दोनों के आपके हैं जीरोज हैं, यानी कि ये क्या गाइस, हियर 4 एंड माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोज मतलब क्या है, x की वैल्यू 4 है, ये क्या हो जाएगा, यही वो क्या है, अल्फा 4 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, बीटा माइनस 2, इसमें कोई भी अल्फा ले सकते हैं, कोई भी बीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी अल्फा हो सकता है, ये भी अल्फा हो सकता है, चाहिए अल्फा चाहिए बीटा। ठीक है, तो ये फैक्टर निकल गया, ये इसके जीरोज हो गया, जीरोज ऑफ फॉर्म में क्या निकला, 4 निकला और माइनस 2 निकला। अब निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कि जीरोज का काम है हमें और कोफिशिएंट का काम है। तो
अब देख लेते हैं ये इसका जीरोज हो गया 4-2। अब क्या निकला रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या होता है रिलेशन क्या होता है, पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस के साथ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, किसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर था ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर को कोफिशिएंट निकालते हैं माइनस के साथ, वो क्या निकलता है अल्फा प्लस बीटा। ये डायरेक्टली निकलता था, क्या निकलता था डायरेक्टली निकलता था। अगर डायरेक्टली हमें सम ऑफ जीरोज निकालना होता है तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ x कितना था, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, ये होता है माइनस x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ये x का कोफिशिएंट b होता था, यानी क्या होता था माइनस b अपॉन a का कोफिशिएंट क्या होता था, यानी क्या होता था ये फॉर्मूला कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट बी होता था, बी वाला टर्म होता था, ये बी है और यहाँ का टर्म ए है और अपॉन ए होता था ठीक है। तो यहाँ हमें वेरीफाई करना है तो एक्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकाल लेते हैं 4 प्लस माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 कितना होगा 4 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा ये 2/1 हो गए। अगर यही बात करें ये किसके बराबर है कोफिशिएंट निकालें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस टू है, तो माइनस साइन यहाँ पे है ठीक है, माइनस है तो माइनस जैसे ही लिखेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है 1 है तो नीचे 1 लिख लेंगे ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2/1। अब देखिए यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 2/1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी बाई ए भी कितना आया है, कोफिशिएंट और अल्फा प्लस बीटा की रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, और कोफिशिएंट में रिलेशन यही है कि ये अल्फा प्लस बीटा करें सम ऑफ जीरोस करें कि जो वैल्यू आएगी अलग अलग फैक्टर निकालने के बाद 2/1 आया है, या डायरेक्टली हम क्या करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने इंडिविजुअल कोफिशिएंट निकालने बी बाई ए से, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है बराबर आ रही है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, यही इसका फॉर्मूला होगा। यानी कि कभी भी हम क्या निकालते हैं, अगर हमें रिलेशन निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं ठीक है, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरो निकालना है तो अल्फा अलग अलग निकाल के हम भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अल्फा प्लस बीटा निकलेगा, या डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसमें जो कोफिशिएंट है उससे हम निकाल लेंगे। सिमिलरली अब प्रोडक्ट की बात करते हैं ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था क्या कॉन्स्टेंट टर्म, क्या होता था कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या था यहाँ पे सी, फॉर्मूला क्या होता था सी बाई कोफिशिएंट ऑफ किसका एक्स स्क्वायर, यानी कि सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म जो होता था। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमेशा जब भी निकालते हैं कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब भी निकलता था अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर वेरीफाई करना है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 4 है, 4 इंटू बीटा क्या है माइनस 2 है, दोनों के लिए क्या आएगी -8/1। या तो ऐसे निकालने पता हो, तो नहीं पता है तो सीधे ऐसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -8 लिख लेंगे -8 ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू क्या है 1 हो गई -8/1 जो किसके बराबर है -8/1। तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यही इसके रिलेशन बिटवीन है किसके किसके बीच में, इसके जीरोस में और इसके क्या कोफिशिएंट में, तो ये रिलेशन बिटवीन निकल गया सम ऑफ जीरोस का और कोफिशिएंट का। तो ये सिमिलरली ऐसे ही सारे क्वेश्चन में क्या होंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 सब कुछ ऐसे ही लेंगे, पहले हम उसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने पर जो फैक्टर आएगा वो उसका जीरोस हो जाएगा, और जीरोस जब निकल जाएगा तो वेरीफाई करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए मेथड यही होगा कि सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे ठीक है, इसको ये फॉर्मूला लिख लेंगे जैसे जैसे किया गया है वैसे वैसे क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे दोनों क्या हो जाएगा दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, दोनों आपका इक्वल हो जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा ओके। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर बेस्ड ऑन दिस ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आरजे स्टडी, शेयर लाइक एंड कमेंट। जय हिंद।